डॉक्टर निशा मंगल, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एट जेनेसिस क्लिनिक जयपुर। आज मैं बात करूंगी लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज के बारे में। लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज ओपन सर्जरी का ही एक अल्टरनेट और एडवांस मेथड होता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इसीलिए आजकल हम ज़्यादातर प्रोसीजर्स को हम ओपन सर्जरी की बजाय लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज प्रेफर करते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक एडवांस टेक्निक है, इसीलिए इसमें स्पेसिफिक ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ओपन सर्जरी में हम पेट पर कट लगाते हैं और हैंड इंस्ट्रूमेंट की मदद से ऑपरेशन करते हैं। और लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज जो हैं, इसमें ऑलमोस्ट सर्जरी की स्टेप्स जो होती हैं वो सेम होती हैं, लेकिन एक बड़ा चीरा लगाने की बजाय हम पेट के ऊपर दो या तीन छोटे आधे से एक सेंटीमीटर के कट लगाते हैं। उन कट्स की मदद से हम टेलीस्कोप और लॉन्ग लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करते हैं और सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। तो जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ हैं, ये गायनी में भी बहुत यूज़फुल हैं। आज मैं बात करूंगी कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ के गायनेकोलॉजी में क्या इंडिकेशन है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कैसे की जाती है और हम प्री ऑपरेटिवली और पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट्स को क्या एडवाइसेस देते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ कैसे की जाती हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ जो हैं, हम जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, मतलब पेशेंट को पूरा बेहोश किया जाता है। पेशेंट का जो पोजीशन है वो डिपेंड करता है कि हम क्या सर्जरी कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो है पेशेंट के नाभि के पास में 0.5 to 1 सेंटीमीटर का एक स्मॉल कट लगाते हैं। इस कट के द्वारा हम एक निडल होती है, वेरीज निडल, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। इस निडल के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके कुछ अमाउंट पेट के अंदर डालते हैं। इस गैस के कारण जो है जो थोड़ा सा इन्फ्लेशन होता है और उसकी मदद से हम जो पेट के अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको अच्छे से देख पाते हैं और ऑपरेटिव फील्ड हमें मिल पाता है। जब भी हम सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड डाल लेते हैं उसके बाद हम वेरीज निडल हटा देते हैं और टेलीस्कोप जो है वो इंसर्ट किया जाता है। टेलीस्कोप जो है इसके अंदर कैमरा और लाइट ऑलरेडी फिटेड होता है। जैसे ही हम टेलीस्कोप को एब्डोमेन के अंदर डालते हैं, हमें पेट के अंदर जैसे यूट्रस है, ट्यूब्स हैं, ओवरीज हैं, इसके अलावा इंटेस्टाइन है, लीवर है, स्प्लीन है, ये सब कुछ क्लियर पिक्चर हमें स्क्रीन पर नज़र आ जाती है। अगर हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कर रहे होते हैं तो हम इनका सारे ऑर्गन्स को अच्छे से इंस्पेक्ट करते हैं। अगर हम ऑपरेटिव पेशेंट को लिया है ऑपरेटिव प्रोसीजर के लिए, तो हम सेकेंड या थर्ड पोर्ट जो है डालते हैं। सेकेंड या थर्ड पोर्ट पेशेंट के लेफ्ट या राइट साइड में डालते हैं, वो डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू सर्जरी। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में सर्जन का हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो है हमें स्क्रीन पर क्लियर हमें पिक्चर दिखाई देती है और लैप्रोस्कोपिक लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी मदद से हम सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज में क्योंकि हमें जो इमेज हम स्क्रीन पर देखते हैं वो मैग्नीफाइड इमेज होती है, तो इन सर्जरीज में जो है वो प्रिसीजन काफ़ी अच्छा होता है। मतलब ये सर्जरीज जो है हमें काफ़ी एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी जो होती है, हिस्ट्रोस्कोपी में हम बच्चेदानी अंदर से पूरी एग्जामिन करते हैं या फिर जो भी ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है वो कर सकते हैं। हिस्ट्रोस्कोप भी एक तरीके का टेलीस्कोप होता है, इसमें हम ऑपरेटिव जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी हिस्ट्रोस्कोप में साथ ही डाले जा सकते हैं। हिस्ट्रोस्कोप को हम सर्विक्स के रास्ते से इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही हम उसे सर्विक्स के रास्ते से इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें सर्वाइकल कैनाल है, यूट्रस की कैविटी है पूरी वो नज़र आती है, यूट्रस के अंदर की लाइनिंग, जो फेलोपियन ट्यूब्स की यूट्रस के अंदर ओपनिंग होती है जिसे हम ऑस्टिया कहते हैं, वो क्लियर कट नज़र आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से इंस्पेक्ट करते हैं। अगर यूट्रस के अंदर कोई भी सेप्टम है, पॉलिप है, फाइब्रॉइड है या कोई अडहेशंस हो चुके हैं प्रीवियस किसी प्रोसीजर की वजह से, तो उनको भी साइमल्टेनियसली क्योर किया जा सकता है। तो हिस्ट्रोस्कोपी के अंदर हमें किसी भी प्रकार के कट की या चीरे की ज़रूरत नहीं होती। हिस्ट्रोस्कोपी में भी मैग्नीफाइड लेंस लगा होता है, तो इस सर्जरी में भी हम काफ़ी प्रिसाइजली वो सर्जरी को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ के क्या बेनिफिट्स होते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ के बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहले तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ ओपन सर्जरी से अगर हम कंपेयर करें तो ये मैग्नीफिकेशन में होती हैं, इसीलिए ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं और प्रिसाइज होती हैं। इसमें सराउंडिंग ऑर्गन्स को डैमेज, नर्व या वेसल्स को डैमेज कम होता है।
लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज जो हैं वो उनमें ब्लड लॉस काफ़ी कम होता है। इसमें जो पेन है पेशेंट को वो भी काफ़ी कम होता है। इसका कारण ही होता है कि ये ज़्यादा प्रिसाइज होती हैं तो नर्व डैमेज जो है वो रिलेटिवली कम होता है। लैप सर्जरीज में क्योंकि हम इसमें बहुत ही छोटा आधे से एक सेंटीमीटर का कट लगता है तो जो वुंड इन्फेक्शंस हैं उनकी रेट भी लैप सर्जरीज में बहुत कम होती हैं। फिफ्थ नंबर आता है कि इसमें रिकवरी जो है पेशेंट की काफ़ी फास्ट होती है, इसीलिए पेशेंट्स का जो है हॉस्पिटल स्टे वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। जो भी माइनर सर्जरी हैं या डायग्नोस्टिक सर्जरी हैं उसमें हम ऑलमोस्ट सेम डे ही पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। मेजर सर्जरी में भी हम नेक्स्ट डे जो है पेशेंट को मोस्टली डिस्चार्ज कर देते हैं। इसके अलावा भी एक कॉस्मेटिक बेनिफिट होता है कि आप पेशेंट को एक लंबे या बड़े कट की जगह पेशेंट को माइनर दो या तीन जगह बहुत ही छोटे चीरे आते हैं जो कुछ समय बाद दिखाई भी नहीं देते, तो कॉस्मेटिक बेनिफिट जो है वो भी हमें लैप सर्जरीज में मिल जाता है। लेप्रोस्कोपी के इंडिकेशंस में डायग्नोस्टिक्स में आते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, अनएक्सप्लेन्ड पेल्विक पेन, एंडोमेट्रियोसिस और क्रॉनिक पेल्विक इन्फेक्शंस। कोई भी सर्जरी हम केवल डायग्नोस्टिक नहीं करते हैं, अगर हमें डायग्नोस्टिक में कोई भी प्रॉब्लम रखती है तो करेक्शन जो है वो उस सेम सेटिंग में ही कर दिया जाता है। ऑपरेटिव इंडिकेशंस में मेनली हम इनको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओवेरियन पैथोलॉजी, ट्यूबल पैथोलॉजी एंड यूट्राइन पैथोलॉजी। ओवेरियन पैथोलॉजी में मेनली ओवेरियन एक्टोपिक आती है, ओवेरियन सिस्ट आती है जैसे कि डर्मॉइड, एंडोमेट्रियोटिक या हेमरेजिक सिस्ट और ओवेरियन टॉर्शन आता है। ट्यूबल पैथोलॉजी में मेनली एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, ट्यूबल हाइड्रोसल्पिंग्स, ट्यूबल एडहेशंस या ट्यूबल ब्लॉकेज, ट्यूबल लाइगेशन मतलब बच्चा बंद को ऑपरेशन या फिर ट्यूबल रीकैनलाइजेशन मतलब कई बार बच्चा बंद कराने के बाद में कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो जाती है और पेशेंट जब वापस खुलवाना चाहता है तो उसे हम रीकैनलाइजेशन सर्जरीज कहते हैं। फिर यूट्राइन पैथोलॉजी के अंदर मोस्टली फाइब्रॉइड्स आते हैं, इंट्रायूट्राइन फाइब्रॉइड्स, एडिनोमायोसिस, यूट्राइन एनोमलीज, यूट्राइन प्रोलैप्स, यूट्राइन एडहेशंस। कुछ अदर इंडिकेशंस भी होते हैं जैसे कैंसर्स हैं यूट्रस की या ओवरी के, पेल्विक एब्सेस आती हैं, पेल्विक एडहेशंस हैं। इसके अलावा लैप्रोस्कोपिक वजाइनोप्लास्टी है, लैप्रोस्कोपिक वॉल्व सस्पेंशन है। तो ये सारे हमारे इंडिकेशंस हैं लैप्रोस्कोपी के। हिस्टेरोस्कोपी में हम डायग्नोस्टिक हिस्टेरोस्कोपी मेनली जो है या तो हम प्री आईवीएफ करते हैं जिसमें कि हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के पहले एक बार यूट्राइन कैविटी को कम्प्लीटली चेक कर लेते हैं, या फिर हम रिकरेंट अबॉर्शंस के अंदर और अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी इनमें भी हम हिस्टेरोस्कोपी परफॉर्म करते हैं। ऑपरेटिव हिस्टेरोस्कोपी के अंदर मेनली एंडोमेट्रियल पॉलिप है, सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स हैं, इंट्रायूट्राइन सेप्टम है या फिर बहुत ही थिन एंडोमेट्रियम है पेशेंट का, या फिर इंट्रायूट्राइन एडहेशंस प्रेजेंट है तो हम एडहेशंस को कट करते हैं और कैविटी को ब्रॉड करते हैं, और या फिर लॉस्ट कॉपर्टी के केस में मतलब कभी कभी होता है कि कॉपर्टी का थ्रेड टूट जाता है और कॉपर्टी यूट्रस के अंदर ही एम्ब्रेड हो जाती है तो उसको भी हम हिस्टेरोस्कोपी की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। ऑपरेटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के लिए हम पेशेंट्स को मना करते हैं। जब भी हम लैप सर्जरीज प्लान करते हैं पेशेंट की हमेशा प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। अगर पेशेंट को कोई भी इलनेस होती है जैसे डायबिटीज़, थायराइड या हाइपरटेंशन तो उसकी मेडिसिन उन्हें कैसे लेनी है ऑपरेशन के पहले ये हम उनको एडवाइस कर देते हैं। इसके अलावा जो बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं वो पेशेंट के करवाए जाते हैं, रूटीन ब्लड टेस्ट, इसके अलावा ECG, चेस्ट एक्सरे और सोनोग्राफी हम होल एब्डोमेन करवाते हैं। अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं तो हम पेशेंट को लैप सर्जरीज के लिए पोस्ट कर देते हैं। प्री ऑपरेटिवली जो है ऑपरेशन के पहले दिन आपको दो ही चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला तो जो हमने फास्टिंग बोली होती है लगभग जब भी हम ऑपरेशन का टाइम है उससे 4 से 6 घंटे का फास्टिंग रिक्वायर्ड होता है। अगर सर्जरी मेजर होती है तो नॉर्मली हम 8 to 10 hours की फास्टिंग भी एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा एक गट क्लियरेंस के लिए हम पेशेंट को लक्सेटिव एडवाइस करते हैं ताकि पेशेंट का इंटेस्टाइन पूरी तरह से क्लियर हो और हमारे ऑपरेटिव फील्ड में प्रॉब्लम नहीं आए। प्री ऑपरेटिव के बाद में हम बात करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स की और नॉर्मल क्वेरीज की।
लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ के बाद हम 4 से 6 घंटे तक पेशेंट को हॉस्पिटल में ही ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं। इसमें हम पेशेंट्स के वाइटल्स, ब्लीडिंग, कोई भी कंप्लेन है जैसे वॉमिटिंग, पेन या उन सबको मैनेज करते हैं। नॉर्मली जो रिकवरी होती है लैप सर्जरीज़ के बाद काफ़ी फास्ट होती है। नॉर्मली 3 to 6 hours में हम पेशेंट को लिक्विड्स अलाउ कर देते हैं। अगर कोई वॉमिटिंग नहीं है तो 6 to 8 hours में पेशेंट सॉफ्ट डाइट ले सकता है। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है और पेशेंट का माइनर सर्जरी हुआ है तो हम 4 से 6 घंटे बाद पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं। नॉर्मली पोस्ट ऑपरेटिवली हम 3-4 एडवाइसेज है जो पेशेंट को देते हैं। फर्स्ट तो ये होती है कि पेशेंट को 1 से 2 दिन तक जो ड्राइविंग है वो अवॉइड करनी है, क्योंकि मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट होता है वो बॉडी में रहता है। सेकेंड रहता है डाइट रिगार्डिंग, तो आप जो सॉफ्ट डाइट है वो 6 से 8 घंटे के बाद लेंगे और 12 घंटे के बाद में आप नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या डाइट लेनी है वो आपकी सर्जरी पर और एज पर डिपेंड करता है, तो आप अपने कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं। नॉर्मली हम 3 to 4 days के लिए पेशेंट को हैवी फूड या आउटसाइड फूड खाने के लिए मना करते हैं। थर्ड थिंग आती है कि पेशेंट को जो रूटीन वर्क है वो कब से स्टार्ट करना है। तो जो भी लैब सर्जरी हुई है उसका 1 दिन तो हम कंप्लीट रेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट डे से आप अपना सिंपल रूटीन काम स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आपका एक्सर्शन वर्क है वो हम 7 days या 10 days के बाद ही एडवाइस करते हैं। जब आप हमारे पास वापस आएंगे, स्टिचेस हम रिमूव कर देंगे, बाकी सब कंप्लेंट्स ठीक होंगी, उसके बाद आप अपना एक्सर्शन वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। जो फोर्थ क्वेरी होती है पेशेंट्स की वो होती है कि हम बाथ कब ले सकते हैं। तो जो लैब सर्जरीज हैं उसके बाद हम जो स्टिचेस हैं उस पर वाटर प्रूफ ड्रेसिंग लगाते हैं, तो आप नेक्स्ट डे से ही डेली बाथ ले सकते हैं। हम आपको 5 से 7 दिन बाद वापस बुलाते हैं स्टिच रिमूवल के लिए, तब ये ड्रेसिंग हम रिमूव करते हैं और आपके स्टिचेस भी रिमूव करते हैं। एक बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का, वो होता है लेफ़्ट साइड में शोल्डर पेन। इससे डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल पेन किलर और रेस्ट से ये कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।